हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया फ्रेंडली गाइड टू कार्स एंड बाइक्स। ये है मर्सिडीज बेंज की E53 AMG 4 Matic Plus Cabriole। पहले भी मर्सिडीज ने केब्रियोलेज इंडिया में यानी कन्वर्टिबल्स लेके आए हैं, बट ये पहली बार एक AMG Cabriole आई है। परफॉर्मेंस वेरिएंट है, इसकी प्राइसिंग है 1.30 करोड़ बिफोर एनी ऑप्शनल एक्स्ट्राज, एंड ये एक्स शोरूम प्राइस है गाड़ी की। कुछ इस तरीके की लुक है, इसमें 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन है जो कुछ इस तरीके का साउंड करता है। एंड गाड़ी का सिलुएट देख सकते हो आप, काफ़ी शानदार है। E53 AMG पर बेस्ड है, वो 4-डोर गाड़ी है, ये 2-डोर कार है एंड है 4-सीटर ही। इसका जो इंजन है वो 435 हॉर्स पावर एंड 520 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क बनाता है, लेकिन इसमें एक 48 वोल्ट की हाइब्रिड भी है, यानी उससे EQ बूस्ट मिलता है 22 हॉर्स पावर का एंड 250 न्यूटन मीटर्स का। इसमें 9 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन लगा हुआ है जो इसे 0 to 100 लेके जाता है सिर्फ 4.5 सेकंड्स में, जो काफ़ी अच्छा नंबर है फॉर अ बिग कन्वर्टेबल सेडान लाइक दिस। 2 टन से भी ज़्यादा का इस गाड़ी का वज़न है एंड 250 किलोमीटर्स पर आर की इसकी टॉप स्पीड है। अब मैं आपको ज़रा इसकी लुक दिखा देता हूँ। सामने आपको ये पैन अमेरिकाना ग्रिल मिलती है, यहाँ पर AMG की बैजिंग दी गई है एंड सामने आपको यहाँ पे स्प्लिटर मिलते हैं, काफ़ी अग्रेसिव दिखने वाला। ऑल LED हेडलैम्प्स हैं, ये बूमरैंग शेप्ड LED DRLs हैं जो इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं। फ्रंट में यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है एंड बॉनेट थोड़ा रेज्ड है, पावर डोम जैसा लुक है बिकॉज ऑफकोर्स गाड़ी काफ़ी पावरफुल है। देन साइड में आप देखोगे तो यहाँ 20 इंच के मैट ब्लैक एलॉय व्हील्स लगे हैं, ये ऑप्शनल व्हील्स हैं। जो प्रोफाइल है ज़्यादा ऊंची नहीं है तो राइड थोड़ी स्टिफ होने वाली है, और यहाँ पर AMG ब्रांडेड आपको कैलिपर्स भी देखने को मिलेंगे। 19 इंच में स्टैंडर्ड एलॉय व्हील्स हैं, ये ऑप्शनल एक्स्ट्राज हैं। टर्बो 4 मैटिक की बैजिंग दी गई है, 360 डिग्री कैमरा भी है इस गाड़ी में एंड ऑफकोर्स फ्रेमलेस विंडोज विच लुक लाइक दिस। अब पीछे की तरफ चलते हैं, पीछे का लुक कुछ ऐसा है, बहुत बढ़िया शानदार से LED टेल लैंप्स मिलते हैं, यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं। E53 की ब्रांडिंग एंड क्वाड एग्जॉस्ट सेटअप आपको देखने को मिलता है, डिफ्यूज़र कुछ ऐसा दिखता है एंड इसका बूट आप ऐसे खोलते हो, ज़्यादा बड़ा बूट नहीं है बट छोटे मोटे डफल बैग्स ले सकता है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिकलिटी एक केब्रियोले में जो हो सकती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ये बटन है, इस बटन से आगे की सीट्स फोल्ड होती हैं, यहाँ से राइट साइड की सीट फोल्ड होती है और यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस भी हो जाता है, तो आप अगर पतला सामान है तो ऐसे स्टोर कर सकते हो। ये फ्रेमलेस विंडोज आपको देखने को मिलती हैं, बहुत बड़ा डोर है, 2-डोर कार है, ऑफकोर्स सारी जगह यहाँ पर इस डोर ने ले ली है। यहाँ पर बहुत बढ़िया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल देखने को मिलता है, यहाँ पर लेदर का इस्तेमाल है, कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग है एंड ऑफकोर्स एम्बिएंट लाइटिंग आपको देखने को मिलता है, कार्बन फिनिश है, बर्मास्टर ऑडियो सिस्टम है एंड देन कैबिन में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ये AMG स्टीयरिंग व्हील मिलता है, टच सेंसिटिव बटन इस पर मिलते हैं। ड्राइव करते समय इनको इस्तेमाल करना थोड़ा कम इंट्यूटिव लगता है, उतना फ़न नहीं आता जितना टैक्टाइल फीलिंग आपको नॉर्मल बटन्स देते हैं, बट दे आर स्टिल देयर, नॉट टू द फ्यूचर। यहाँ पर आपको इसके थ्रू आप ऑटो स्टार्ट स्टॉप इंगेज कर सकते हो, देन यहाँ से आप इसका 360 डिग्री कैमरा एक्टिवेट कर सकते हो, ये रोटेट करोगे तो इससे आप इसके सारे ड्राइविंग मोड्स एक्टिवेट कर सकते हो एंड 12.3 इंच की आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड टच स्क्रीन मिलती है, सेम एज द रेगुलर E53 AMG। कार्बन का फिनिश यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है, सेंटर में भी सेम, बट और जो इस गाड़ी का मेन हाईलाइट तो वो ये है, ये बटन दबाया तो अब मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, ये आ रहा है रूफ। सॉफ्ट टॉप इस गाड़ी में मिलता है, 22 सेकंड से कम टाइम लगता है इस गाड़ी के रूफ को रिट्रैक्ट होने में एंड लगभग सिमिलर टाइम इसको वापस जाने में लगता है, मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। यस, ये हो रहा है, मैकेनिज्म पीछे से स्टार्ट हो गया है तो कुछ ऐसा लगता है गाड़ी के अंदर बैठे हुए, एंड मैं आपको एक बार रियर सीट में ले जाके भी दिखा देता हूँ गाड़ी की कि क्या माहौल है। 4-सीटर कार है, एंट्री कैसी है और कितनी मुश्किल है,
ये लैच आप सीट का खींचोगे तो इससे गाड़ी अपने आप आगे होने लग जाती है, आपके लिए स्पेस बन गई एंटर करने के लिए। AMG ब्रांडेड आपको फ्लोर मैट्स मिलती हैं, रेड सीट बेल्ट्स, एंड दिस इज़ व्हाट द सीट लुक्स लाइक। यहाँ पर डिसेंट स्पेस है ऑफ कोर्स। इसको एक बार मैंने अपनी पोजीशन में अगर सेट कर दिया तो मेरे 5 feet 9 inch के फ्रेम के लिए ओके स्पेस है, बहुत ज़्यादा इसको कंफर्टेबल नहीं कह सकते हैं। आपके फ्रेंड्स वगैरह को आप इन सीट्स पे ले जा सकते हो, एंड हेडरूम तो ऑब्वियसली कोई फ़र्क पड़ता नहीं है अगर आपने रूफ हटा रखी है, अनलिमिटेड हेडरूम आपको इस गाड़ी में मिलेगा, सो दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ पर आपको ये इंडिविजुअल क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, 2 cup holders दिए गए हैं, आइसोफिक्स माउंट्स भी दिए गए हैं, एंड विंडोज़ भी काफ़ी अच्छी तरीके से स्टाइलिश तरीके से खुलती हैं। सो दैट्स अबाउट इट इस गाड़ी की रियर सीट में। मैं आपको एक बार बाहर ले जाके फिर से गाड़ी का लुक दिखा देता हूँ कि कैसा है। एग्जिट करना ज़्यादा प्रॉब्लम का विषय तो नहीं होगा। एंड दिस इज़ व्हाट द न्यू मर्सिडीज AMG E53 4MATIC प्लस केब्रियोले लुक्स लाइक। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अब तक नहीं किया है तो व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।